What's up? So I'm back again with a new vlog और आज हम बात करने वाले हैं top 5 problems के बारे में जो मैंने Canada Winnipeg में आके face की। अब ये video अगर आप यहाँ पे Winnipeg में आ रहे हैं या फिर आप Winnipeg में भी आ चुके हैं और नए हैं, so आप इसमें काफी relate कर सकते हैं। So हम शुरू करते हैं सबसे पहली problem से कि jobs। अब jobs यहाँ पे difficult है लेना, because Winnipeg एज कम्पेयर टू टोरंटो वैंकूवर काफी छोटा शहर है, यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है, सो अपॉर्चुनिटीज उस हिसाब से कम है। मेरे कुछ फ्रेंड्स जो बताते हैं कि टोरंटो में पार्ट टाइम जॉब्स की बहुत ज्यादा यू नो अपॉर्चुनिटीज हैं, वहां पे आप बहुत आसानी से जॉब्स ले सकते हैं, बट यहाँ पे मुश्किल है थोड़ा सा। आप अगर यहाँ पे आए हैं सो आप एक कंपनी है स्टाफ मैक्स और ऑप्यूलस, उनके थ्रू फैक्ट्रीज में जॉब लेना आसान है। उनसे आप कांटेक्ट कीजिए और उसके बाद वो आपको शिफ्ट बता देंगे, और ऐसे रेगुलर शिफ्ट नहीं है, एक घंटे की शिफ्ट सॉरी एक दिन की शिफ्ट होगी या दो दिन की शिफ्ट होगी, तीन दिन की शिफ्ट होगी, बता देंगे कि इतने बजे से इतने बजे तक की शिफ्ट है, $15 रेट है। एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे कि $12 इज अ मिनिमम रेट ओवर हियर, टोरंटो की तरह $15 नहीं है, सो $12 तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे फैक्ट्री वर्क में, $15 तक भी मिल सकते हैं। सो बट दैट्स अ डिफिकल्ट वर्क, मैंने ट्राई किया एक दो बारी, मुझसे तो नहीं हो पाया। उसके बाद इंडियन रेस्टोरेंट्स में किचन वर्क, टिम हॉर्टन्स में किचन वर्क की जॉब्स होती हैं, बट वहाँ पे वो किचन का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, सो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए आप इंडिया से एक्सपीरियंस लेके आइए थोड़ा सा किचन का, कुछ नहीं तो एक डॉक्यूमेंट बनवाइए कुछ वॉलेंट्री काम करने के बाद, या फिर आप किसी भी शॉप में वॉलेंट्री काम करके वहाँ से डॉक्यूमेंट बनवा के लेकर आइए, और लेजिटिमेट लेकर आइए, ऐसा नहीं कि फेक लेकर आ रहे हैं, बिकॉज आई बिलीव कि हमें कोई भी फेक काम नहीं करना चाहिए, जो भी काम करना है वो लेजिटिमेट करना चाहिए। सो सेकंड है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है लेना, बिकॉज इंडिया में जैसे हमारे पास बहुत ही ज्यादा आसान होता है ड्राइविंग लाइसेंस लेना, सो वैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको पहले नॉलेज टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद फिर ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा, और नॉलेज टेस्ट के लिए आपको जो उनकी बुकलेट है हैंडबुक वो पूरी की पूरी पढ़नी पड़ेगी पॉइंट टू पॉइंट, बिकॉज क्वेश्चन वो कहीं से भी उठा के देते हैं। एज पर कैनेडियन गवर्नमेंट इट्स अ प्रिविलेज टू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टडी हार्ड। और ड्राइविंग टेस्ट भी काफी ये सख्ती से लेते हैं, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया माफ कर दिया कोई बात नहीं बात चल गई या फिर हमने कम्युनिकेशन करके उसको पटा लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। सो आपको जो जिस पैरामीटर्स पे उन्होंने आपको जज करना है वो उसी पैरामीटर पे आपको जज करेंगे, आपको बिल्कुल भी कोई रिहायत नहीं मिलेगी। सो ड्राइविंग टेस्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ड्राइविंग लाइसेंस लेना मुश्किल है। सो दीज आर द टू प्रॉब्लम्स। अब मैंने इनका एक सॉल्यूशन निकाला है, मैंने बेवकूफी करी यहाँ पे आने से पहले, अगर मैं मतलब इट्स सजेशन फ्रॉम माय एंड कि अगर आप इंडिया में हैं सो ट्राई कि आप थोड़े पैसे इकट्ठे करें यहाँ पे गाड़ी के लिए, कुछ $5,000 to $6,000 एक्स्ट्रा आप इकट्ठे करें और वो लेकर आए गाड़ी के लिए, और उसके बाद जब आप यहाँ पे लैंड करते हैं तो जो आपका लाइसेंस है आप उस पर 3 महीना ड्राइव कर सकते हैं। तो आते यहाँ पे गाड़ी ले लें और उसके बाद स्किप शुरू कर दें, ठीक है, आप स्किप शुरू कर सकते हैं। अगर स्किप नहीं शुरू कर पा रहे हैं सो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें, नॉलेज टेस्ट दें और अपनी गाड़ी पे प्रैक्टिस करना शुरू करें। 3 महीने अगर आप अपनी गाड़ी पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका हाथ तो सेट हो ही जाएगा, और 3 महीने के अंदर आप लाइसेंस भी लेंगे, और उसके बाद आपको ज्यादा पार्ट टाइम जॉब्स की ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइफ आपकी बहुत आसान हो जाएगी। मैं ये कर सकता था बट आई डोंट नो व्हाई आई हैवंट डन दैट, सो अब तो मेरे हाथ से निकल गया वो टाइम, बट आपके हाथ में है सो आप ऐसा कर सकते हैं, अपने हाथ में थोड़े पैसे लेकर आए और आते ही गाड़ी ले लें, अब 3 महीना अपने इंडियन लाइसेंस पे आप गाड़ी चलाएं, और उसके बाद आते ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, नॉलेज टेस्ट के लिए इंडिया से ही पढ़ते रहें, ऑनलाइन आप जाके हैंडबुक डाउनलोड करके पढ़ें, उसको अच्छे से समझें, उन टेस्ट देते रहें, यहाँ पे लैंड करें, अपना घर रेजिडेंस जोन सा है आप लें, और ड्राइविंग बेसिकली क्या है कि जब आप ड्राइविंग के लिए जाते हैं नॉलेज टेस्ट बुक करवाने के लिए सो आपको वहां पे अपना एक लीज एग्रीमेंट देना होता है, एक अपना अगर आप स्टूडेंट है तो आपको अपना एनरोलमेंट लेटर, स्टडी परमिट ये सब देना होता है, और आपको ड्राइविंग लाइसेंस नॉलेज टेस्ट के लिए डेट मिल जाती है, $10 उसका प्राइस होता है, और फिर जब रोड टेस्ट के लिए $30 है, टोटल $40 में सारा काम हो जाता है, और अगर आपके पास अपनी गाड़ी होगी तो आपको कोई बंदा हायर नहीं करना पड़ेगा, एक या दो दिन की क्लासेस में आपका काम हो जाएगा सारा। सो इट्स इजी फॉर यू, आपको पार्ट टाइम जॉब ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, आप डिलीवरी का काम कर सकते हैं बहुत ही आसान, क्योंकि अगर आप फैक्ट्री वर्क की तरफ जाते हैं या फिर टिम हॉर्टन्स या ऐसे कोई काम की तरफ देखते हैं तो आपको पूरा पूरा टाइम खड़ा होना पड़ेगा। पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे मतलब है कि यू हैव टू स्टैंड ऑल द टाइम,
मैंने बहुत ट्राई किया यहाँ पे कि मुझे व्हाइट कॉलर जॉब मिल जाए नॉर्मल में, ठीक है, पार्ट टाइम में व्हाइट कॉलर जॉब मिल जाए, सिटिंग जॉब बहुत मुश्किल है, मेरे को तो अभी तक नहीं मिली। जो भी मिली हार्ड वर्क वाली मिली है, जो मेरे बस की नहीं है, ठीक है। ये हो गई दो प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर ली है, जॉब्स एंड ड्राइविंग लाइसेंस, और हमने इनके क्लब सॉल्यूशन के बारे में बात कर ली है। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स पे लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। कंफ्यूजन है तो इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, इश्मीत सिंह रायत, आप वहां पर जाके मैसेज डालें मुझे, मैं वहां पे आपको क्लियरिटी दे दूंगा प्रॉपर पूरे तरीके से, नो इश्यूज, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में। अब विनीपेग का क्लाइमेट बहुत हार्ड है बॉस, बहुत हार्ड। मैं 11 जनवरी यहां पे लैंड किया था, उस टाइम पे टेम्परेचर यहां पे था कुछ -30, 50, -50 to -30 के बीच में। सर्वाइव हो गया ऐसा, मतलब ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर जब -40 तक टेम्परेचर गया तो आदत पड़ गई, सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद गर्मियां आई थोड़ी सी, ठीक है, टेम्परेचर 4 तक, -4 तक आया, और उसके बाद एक स्नो स्टॉर्म आया और फिर दोबारा से -10 -15 की तरफ टेम्परेचर चला गया। मतलब वी हैड टू विंटर्स दिस टाइम, और मतलब क्लाइमेट का यहाँ पे कुछ नहीं पता, कब बारिश हो जाए, कब सर्दी हो जाए। गर्मी तो मैंने देखी नहीं अभी तक, पेड़ों पे पत्ते अभी तक नहीं देखे, अभी मई का महीना चल रहा है, नथिंग इज हैपनिंग। यहाँ पे बहुत विंटर्स है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप इंडिया से, डिकैथलन से आप विंटर्स के गियर्स लेकर आए, वहां पे सॉक्सेस मिलते हैं और विंटर जैकेट्स मिलती हैं, यू नो अपाकास मिलते हैं वहां पे, बहुत ही कूल अपाकास होते हैं और वहां पे सस्ते भी हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लेंगे तो आपको कुछ $100 तक में, मिनिमम $100 तक में अच्छी विंटर जैकेट मिलेगी, बट वही आप वहां पे 5 से 10 हजार के बीच में एक अच्छी विंटर जैकेट ले सकते हैं। मेरे रूममेट्स जो उनसे दोनों, वो वहीं से अपनी विंटर जैकेट्स लेकर आए थे। आई विल प्रेफर कि आपको वहां से लेना चाहिए। सेकेंड, विंटर बूट्स, डिकैथलन से विंटर बूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, यहाँ पे महंगे हैं। यहाँ से लेने के सोचेंगे तो फिर यू नो फंस जाएंगे, क्योंकि डॉलर में आपके पैसे नहीं होंगे। इंडिया इंडिया का रुपी आप कैनेडियन डॉलर में खर्चेंगे तो दर्द होता है, मेरे को तो होता है। आप डिकैथलन से खरीद के आए तो इट्स वेरी बेटर, यू नो। उसके बाद फिर हम बात करते हैं क्राइम, या इट्स क्वेश्चन 4, क्राइम ऑन रोड्स। विनीपेग जो सा है वो बहुत ही ना, यू नो, रॉ है। यहाँ पे इंडिजियस लोग काफी ज्यादा रहते हैं, इट्स मेन लैंड ऑफ इंडिजियस पीपल, जो उनसे यहाँ के लोकल्स हैं। आपको पता ही होगा कि कनाडा जो सा है वो इट वाज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स, सो उससे पहले जो यहाँ पे लोग रहते थे वो इंडिजियस उनको कहते हैं, सो ये उनका मेन लैंड है। और डिस्क्लेमर, मेरा यहाँ पे बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि इंडिजियस लोग रिस्की होते हैं या क्रिमिनल होते हैं। क्राइम कोई भी कर सकता है, कोई भी एथनिसिटी वाला बंदा कर सकता है, इसलिए यहाँ पे मिसअंडरस्टूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभार यहाँ पे क्राइम की ना, यू नो, घटना घटना सुनाई देती है। लास्ट मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ, अभी कुछ 3 हफ्ते पहले की बात है। हम बाहर खड़े थे और पुलिस ऑफिसर्स आए, उन्होंने बोला कि यू स्टे हियर, हमने कहा यस वी स्टे हियर, उन्होंने बोला आप घर के अंदर जाएं क्योंकि यहाँ पे अभी शूट आउट हुआ आगे। ओके, शूट आउट हमारे घर से थोड़ा सा आगे शूट आउट हुआ है, और उसके अगले दिन हमने देखा हमारे सामने वाले घर में एक कॉप जोन सा है, वो एक बंदे को अरेस्ट करा हुआ था, उसने उसको हैंडकफ से खोल के घर के अंदर छोड़ रहा था, और माइट बी ही वुड बी क्रिमिनल और सस्पेक्टेड। तो ये सब है, और बाकी डाउनटाउन की तरफ आपको काफी हेटरेट या क्राइम या फिर यू नो रेसिज्म का सामना करना पड़ सकता है। एक और मैं इंसिडेंट आपके शेयर करता हूँ। मैं बस के अंदर था और घर की तरफ वापस आ रहा था, टाइम था कुछ 6-7 बजे का टाइम होगा, एक पूरा ड्रंक लड़का चढ़ा बस में और मेरे साथ में आके बैठ गया। ही वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम वन साइड एंड देन ही जस्ट पुट हिज हैंड अराउंड माई नेक एंड ही स्टार्टेड यू नो टॉकिंग टू मी एंड ही वॉज ड्रंक स्मेलिंग बैड। बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग एट दैट टाइम बिकॉज क्या पता उसके पास यहाँ पे नाइफ हो, कुछ भी हो। यू जस्ट स्टे काम। मैं बस एक चुपचाप बैठा रहा, उसकी जवाब उसके सवाल का जवाब देता रहा। ही सेड हाउ आर यू, आई सेड या गुड, लाइक दैट। तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड कुछ हुआ नहीं, तो वो उठ के चला गया फिर। और बाकी यहाँ पे अगर आप डाउनटाउन में होते तो लोग आपसे अगर मांगते हैं कुछ भी, कैन यू प्लीज गिव अस फूड, आई एम होमलेस, और लाइक दिस, सो इग्नोर देम, ठीक है। यू डोंट हैव टू टॉक विद देम और यू डोंट हैव टू रिएक्ट ऑन देयर रेसिस्ट कमेंट्स, जस्ट इग्नोर, मूव ऑन, ओके। एंड स्माइल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज
मेरे यहाँ पे एक लड़की है, उसके साथ इंसिडेंस हुआ था। वो बस से उतर रही थी, एक होमलेस ने उसको हेलो बोला और उसने उसको रिप्लाई नहीं किया, सो ही स्टार्टेड अब्यूजिंग कि कांट यू हियर दैट आई एम सेइंग हेलो टू यू लाइक दिस। ये थोड़े से इंसिडेंट्स हुए हैं, सो इसको इसको अवॉइड करने के लिए सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, इग्नोर। बिकॉज अगर आपको यहाँ पे किसी ने भी टच किया, दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर दैट, किसी ने भी आपको टच किया 911 पे आप इमीडिएटली कॉल करें, आपकी सुनवाई वहीं पे ही होगी। कॉप्स हमेशा रोड के ऊपर होते हैं। विनीपेग पुलिस इज ट्राइंग देयर 100% टू कीप देयर सिटीजन सेफ, ओके, इंक्लूडिंग यू। आप स्टूडेंट हैं यहाँ पे, आपकी भी सेफ्टी उनका उनकी ड्यूटी के अंडर आता है। सो 911 रिमेंबर रखें, जब भी कोई प्रॉब्लम हो 911 पे कॉल कर दें, आपके लिए पुलिस आएगी और आपको घर तक छोड़ के जाएगी। इवन अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ विनीपेग में पढ़ रहे हैं, सो रात का टाइम है, अगर आपको घर तक जाना है तो आप एक शटल है वहां की, वो ले सकते हैं, वो आपको बस स्टैंड तक सेफली छोड़ देंगे और बस पे भी चढ़ा देंगे आराम से, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डाउनटाउन थोड़ा बहुत अनसेफ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं रेसिज्म के बारे में। रेसिज्म मैंने यहाँ पे दो बारी फेस किया है। एक बारी मैंने फेस किया है जब मैं रास्ते में आ रहा था, तो एक बंदे ने मेरे को मिडल फिंगर दिखाया, ठीक है, और दूसरा मैं जब एक बारी डॉलरामा में गया था, तो वहां पे एक चाइनीज लेडी ने मुझे बोला कि वी आर नॉट हायरिंग इंडियंस, सो दैट सीम्स वेरी रूड। सो मैंने उसको गूगल पे जाकर बस रेसिस्ट कमेंट दिया, मुझे उसका कंप्लेंट कर दिया मैंने, और गूगल रिव्यूज में जाकर, और बाकी ज्यादा कोई एक्शन तो ले नहीं सकते। सो इसका भी एक ही सॉल्यूशन है, इग्नोर। सो और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम इंडिया में नहीं है, हम उनकी कंट्री में है, एंड इफ दे आर सेइंग समथिंग सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, सो वी कैन जस्ट इग्नोर इट। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप पुलिस को उस वक्त बुलाएंगे और एक्शन लेंगे और ये सब करेंगे, सो इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, यू कैन इग्नोर इट एंड डू योर वर्क जो आप करने जा रहे हैं। व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम यहाँ पे कनाडा में आके? एक चीज तो मैंने सीखी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है यहाँ पे, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप एक घंटा भी वेस्ट करते हैं, सो इट वन आवर इज योर $12, ओके, सो आप वो वन आवर का कोई काम कर सकते हैं, सो सी यू कैन कन्वर्ट योर आवर्स इन टू मनी। सो उसके बाद हम बात करते हैं बोनस पॉइंट के बारे में, और बोनस पॉइंट है हमारा यहाँ पे फ्री फूड। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं और अगर आप यहाँ पे फ्री ग्रॉसरीज चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक मैनिटोबा हेरिटेज करके है, ठीक है, और मैनिटोबा हेरिटेज में आप लॉगिन करें, अपने आपको उनके साथ रजिस्टर करें, और वो वेरीफाई करेंगे कि आप सही में स्टूडेंट हैं कि नहीं है, स्टूडेंट परमिट चाहिए होगा उनको आपका, और उसके बाद फिर या गुड टू गो, आपको वो हर महीने ग्रॉसरीज दे देंगे और काफी अच्छी अमाउंट की ग्रॉसरीज मिल जाती हैं, सो इट्स वेरी हेल्पफुल, यू नो। और यहाँ पे अगर बस पास के लिए भी, अगर आपको बस पास चाहिए, और नॉर्मल स्टूडेंट पास $80 का आता है, और लोकल मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली हुई विन पास के नाम से, जिसके अंदर अगर आपकी इनकम लोअर है नॉर्मल से, तो आप उनसे विन पास ले सकते हैं, जो कि आपको पर मंथ $50 पड़ेगा, सो यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ मनी ओवर हियर। नॉर्मल स्टूडेंट पास $80 का है और वो पास आपको $50 का पड़ेगा फॉर अ मंथ, पूरे महीने आप जहां मर्जी ट्रेवल करें बाय बस। सो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही वीडियोस और बनाता रहूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने क्वेश्चंस को कमेंट्स में लिखिए, और टेक केयर, गुड डे, गुड नाइट, बाय बाय।